मैं नागेंद्र प्रताप सिंह, अध्यापक गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुराँव प्रयागराज से। बच्चों, आज मैं तुम सबको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस की रचना कैसे होती है और सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, तो आइए सेंटेंस की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात बच्चों, शब्दों का वह भावपूर्ण समूह जो हमें एक भावपूर्ण अर्थ प्रदान करे, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम इज गोइंग, राम जा रहा है। तो इस वाक्य से हमें यह प्रतीत होता है कि राम जो है जा रहा है, जाने का कार्य कर रहा है। तो एक वाक्य की रचना हो गई, वाक्य बन गया। इससे हम अगला हम देख सकते हैं, पूनम इज हैप्पी, पूनम प्रसन्न है। इस वाक्य, यह भी वाक्य पूर्ण है। आई लाइक टू स्विम, यह भी वाक्य जो है मुझे पूर्ण प्रतीत होता है। जब वाक्य का अर्थ कंप्लीट न हो, अर्थात पूरा न हो, उसे हम अपूर्ण वाक्य कहते हैं। जैसे सी गेव मी अ, उसने मुझे एक दिया। क्या दिया? इस वाक्य से कुछ स्पष्ट नहीं होता, अर्थात वाक्य है अपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि सेंटेंस केवल भावों को व्यक्त कर सकता है। सेंटेंस भावों को व्यक्त कर सकता है, जैसे स्टेटमेंट के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में, एंड आर्डर के रूप में, एंड विश के रूप में अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। आगे हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के भाग, तो सेंटेंस के भाग, देर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकेंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या होता है, किसे कहते हैं। द वर्ड्स या वर्ड्स डिनोटिंग द पर्सन आर थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड आर कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस उद्देश्य वाक्य का वह भाग जिसमें व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया जाता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे आई रीड माई बुक, मनोज रंस। प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट्स विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस। यह वाक्य का वह भाग है जिसमें सब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं रीड माई बुक प्रेडिकेट पार्ट्स है, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। हम कह सकते हैं कि वर्ब इज ऑलवेज पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। वर्ब जो है हमेशा प्रेडिकेट का ही भाग होता है। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट यानी कर्ता का विभाजन। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के दो भाग होते हैं। फर्स्ट इज क्वालिफायर,
जिसे हम इनलार्जमेंट भी कहते हैं। सेकेंड इज मेन वर्ड्स अर्थात सब्जेक्ट, जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल द डॉग बार्क्स, माई फ्रेंड बिल लाफ्स। आगे हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ क्वालिफायर। डिवीजन ऑफ क्वालिफायर जो सब्जेक्ट का एक भाग है, जो सब्जेक्ट को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। इस डिटरमाइनर का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव्स से पहले होता है। डिटरमाइनर के रूप में हम कह सकते हैं ए, एन, द, आल, एनी, बोथ, सर्टेन, फ्यू, एनफ, लास्ट, लिटिल, मैनी, मोर, नो, दैट, सम, दिस, दैट, दीज, दोज, होल, एवरी, नेक्स्ट। नेक्स्ट बोथ, सेम, सच, इधर, नीदर, मोर, मोस्ट, मच, वन, अदर, लेस, वन, टू, थ्री, फोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, etc. आदि प्रमुख जो है डिटरमाइनर हैं। सो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्वालिफायर्स यानी डिटरमाइनर्स, इसलिए हम इन्हें तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सब्जेक्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, क्वालिफायर एंड सेकेंड हेड वर्ड यानी सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के रूप में। अब हम बात करते हैं क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं बच्चों, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज। तो इसे हम एक सूत्र के रूप में दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। सब्जेक्ट इज इक्वल टू डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस मेन वर्ड प्लस एडजेक्टिव और फ्रेज। उदाहरण से हम जान सकते हैं, जैसे अ हार्स रन्स। रन्स ए अ जो है क्या है, क्वालिफायर। हार्स मेन वर्ड यानी सब्जेक्ट, रन्स प्रेडिकेट। जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रेडिकेट का प्रारंभ वर्ब से ही होता है। सेकेंड इज द ब्लैक डॉग इज ईटिंग। द डिटरमाइनर ब्लैक एडजेक्टिव डॉग सब्जेक्ट यानी मेन वर्ड्स इज ईटिंग प्रेडिकेट पार्ट्स। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ए फैट गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिटिंग। ए डिटरमाइनर फैट एडजेक्टिव गर्ल मेन वर्ब स्टैंडिंग इन द कॉर्नर एडजेक्टिव फ्रेज इज इटिंग इज सिंगिंग प्रेडिकेट पार्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव डिटरमाइनर का प्रयोग हेड वर्ड यानी सब्जेक्ट से पहले करते हैं, जबकि एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और प्रेडिकेट के पहले करते हैं। इस तरह ये सब्जेक्ट के भाग हुए, यानी सब्जेक्ट के भाग में डिटरमाइनर,
एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज आते हैं।